हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में आज हम लोग टेम्पलेट देखेंगे। देखिए, टेम्पलेट सी प्लस प्लस का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, या बोल सकते हो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो बेसिकली दो तरह का होता है। एक है फंक्शन टेम्पलेट और एक है क्लास टेम्पलेट। तो फंक्शन टेम्पलेट में टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं, हमने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक ही नाम के अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं और उसमें हम लोग अलग अलग तरह का डेटा भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सपोज हमें दो नंबर का सम करवाना है, तो हमारा फंक्शन नेम सम होगा, दो पैरामीटर होगा ए और बी। सपोज हम इन टाइप का डेटा भेज रहे हैं तो यहाँ पे इंट आएगा, लेकिन हो सकता है हम डेसिमल फॉर्म में वैल्यू को भेजना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे डबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो अलग अलग सम नाम का फंक्शन बनाया है, एक हमारा इंटीजर को हैंडल करेगा और एक हमारा डेसिमल को हैंडल करेगा। लेकिन यहां पे सपोज कुछ और हमें हैंडल करना है, सपोज एक डेटा हमारा इंटीजर हो और दूसरा डेटा हमारा फ्लोट, तो उस केस में भी हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा कोड का लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग एक ही फंक्शन बनाए और इसी से हमें काम चल जाए। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम लोग टेम्पलेट यूज करते हैं। तो टेम्पलेट से बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अलग अलग डेटा टाइप को हैंडल कर सकते हैं। तो जब हम लोग फंक्शन में डील करते हैं तो इसको फंक्शन टेम्पलेट बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग क्लास में टेम्पलेट को यूज करते हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्लास टेम्पलेट। तो इसमें भी हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर और हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जहां पे हमें डेटा टाइप को हैंडल करना है। तो इसका सिंटेक्स सिंपल होता है, सिंपली आपको लिखना है टेम्पलेट, यहां पे एंगल ब्रैकेट देना है और यहां पे आपको लिखना है क्लास और यहां पे एक टाइप देना है। तो टाइप में कुछ भी आप वेरिएबल दे सकते हो, सपोज यहां पे हमने टी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो एक्स वाई जेड। तो टेम्पलेट से हमें क्या फायदा होता है, प्रोग्राम हमारा फ्लेक्सिबल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है, कोड हमारा ऑप्टिमाइज होता है, हमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता और हम एक ही प्रोग्राम को बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। तो यहां पे फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो होगा टेम्पलेट डॉट सीपीपी, एंटर। तो हेडर फाइल लेने तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हो गया। मेन मेथड लेने हैं तो इंट मेन किया, एंटर कर ब्रैकेट। फिलहाल के लिए हम लोग फंक्शन टेम्पलेट देख रहे हैं। तो फंक्शन टेम्पलेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट लेंगे, जहां पे हम लोग दो अलग अलग फंक्शन बनाएंगे और दोनों का नाम सेम होगा। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं सम, वर्ड कर लेते हैं, ये बेसिकली कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहां पे दो पैरामीटर ले लेते हैं, इंट एक्स कोमा इंट वाई, एंटर कर ब्रैकेट। यहां पे हम लोग प्रिंट करवा ले रहे हैं सी आउट सम इज, यहां पे कर लेते हैं एक्स प्लस वाई और यहां पे कर लेते हैं ई एंड डी। तो ये बेसिकली हमारा इंट के लिए होगा, डबल के लिए भी कर लेते हैं जो बेसिकली डेसिमल के लिए होगा, तो कंट्रोल वी किया, यहां पे हम लोग कर लेते हैं डबल, यहां पे भी कर लेते हैं डबल। अब यहां पे हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं, तो सम नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, यहां पे दो आर्गुमेंट भेजेंगे, तो फर्स्ट होगा 10, सेकेंड होगा 20, कंट्रोल डी किया, यहां पे डेसिमल फॉर्म में भेजते हैं, तो यहां पे 10.5 किया और यहां पे हमने 20.5 कर लिया। तो मेथड ओवरलोडिंग में आपको पता है कि जब हम लोग 10-20 भेजेंगे तो चूंकि ये इन टाइप का है तो ये बेसिकली यहां पे आएगा, तो उस केस में यहां पे हमारा सम प्रिंट हो जाएगा, तो 10+20 हो जाएगा 30। और सेकेंड वाला जो केस है वो बेसिकली डेसिमल फॉर्म में है तो वो यहां पे आएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10+20 30 हो जाएगा और 0.5+0.5 तो 31 हो जाएगा यहाँ पे,
इसको चेक कर लेते हैं, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट केस में 30 आ रहा है और सेकंड वाले केस में 31 आ रहा है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक बार फंक्शन क्रिएट किया जो बेसिकली इन टाइप का है, फिर हमने यहां पे दोबारा फंक्शन को क्रिएट किया जो बेसिकली डेसिमल के लिए। तो टेम्पलेट बेसिकली क्या बोलता है कि आपको बार बार फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही फंक्शन से काम चल जाएगा, लेकिन यहां पे आपको टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट के लिए सिंपली यहां पे आपको लेना है टेम्पलेट, यहां पे आपको लेना है क्लास, और यहां पे कुछ भी एक टाइप ले लेना है। तो यहां पे सपोज हमने ले लिया टी, तो ये बेसिकली आपको डेटा टाइप बताता है, जो भी आप यहां पे डेटा भेजोगे ये अपने आप रीड कर लेगा कि ये किस तरह का डेटा है। तो उस केस में ये वाला टी यहां पे भी आ जाएगा क्योंकि ये रिटर्न टाइप है, तो टी यहां पे भी हो जाएगा, यहां पे हमने इंट ले रखा है, यहां पे भी टी हो जाएगा और यहां पे भी हमारा टी हो जाएगा। मतलब जहां पे भी हमारा डेटा टाइप है वहां पे हमारा टी हो जाएगा, मतलब जो भी आप यहां पे दोगे वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो इस केस में ये अपने आप रीड कर लेगा कि आप यहां से कौन सा डेटा भेज रहे हो और उस अनुसार से यहां पे ये प्लस करवा देगा। तो इसको चेक करके देख सकते हो, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहां पे आप देख सकते हो सेम वही आपका रिजल्ट आया है। तो इस तरह आप फंक्शन टेम्पलेट को यूज करते हो। अगला है क्लास टेम्पलेट। तो क्लास टेम्पलेट भी काफी सिंपल है, उस केस में आप क्लास के थ्रू डील कर सकते हो। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, क्लास टेम्पलेट के केस में सिंपली यहां पे आपको एक क्लास बनाना है। तो यहां पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एडिशन क्रिएट कर लिया, एंटर करल ब्रैकेट, ये वाला जो हमने फंक्शन ले रखा है इसको कट किया, इस फंक्शन को यहां पे ले लिया अंदर में, ये टेम्पलेट एज इट इज ऐसा ही रहेगा। इस टी को हमने यहां पे यूज किया है। अब यहां पे आपको क्या करना है, क्लास को कॉल करवाना है, तो हमारा क्लास नेम एडिशन है और यहां पे एंगल ब्रैकेट में आपको ले लेना है इंट। यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो सपोज हमने यहां पे क्रिएट कर लिया A1। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इंट टाइप का डेटा भेजोगे तो उस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, A1.sum को कॉल करवा सकते हो और डेसिमल फॉर्म के लिए यहां पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो उस केस में यहां पे कंट्रोल डी किया, इसको ले लिया A2, इसे ले लिया यहां पे डबल और यहां पे हम कर लेते हैं A2.sum। तो ये हमारा हो गया है। क्लास टेम्पलेट में हमें यही करना होता है, यहां पे हमें टाइप बताना पड़ता है। तो इसको यदि कंपाइल एंड रन करोगे तो आपका सेम वही रिजल्ट देगा। यहां पे आपको पब्लिक भी ले लेना है, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहां पे आप देख सकते हो सेम वही रिजल्ट आपका शो हो गया। यहां पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, यदि आपको रिटर्न करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उस केस में यहां पे सिंपली हो जाएगा रिटर्न कीवर्ड लेना आपको, यहां पे रिटर्न आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई। तो इस केस में यहां पे आपको प्रिंट करवाना है तो यहां पे सी आउट ले लोगे और यहां पे भी सी आउट ले लेना है। तो इस केस में सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, यहां पे सेमी कॉलन आएगा, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो देखिए इस केस में भी आपका सेम वही फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट केस में 30 था और सेकंड केस में 31, तो ये आपका शो हो। तो इस तरह आप टेम्पलेट का यूज डेटा टाइप को हैंडल करने के लिए कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।
ताकि जैसे मैं कनेक्ट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।